diet chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet food, foods, which is not permitted. This is an issue made by ED, so that there is home cooked food also should be stopped. This concerns the health. We are very concerned. And whatever he is taking is as per the doctor's prescription. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक हैरान कर देने वाली बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद है और वहीं से उनके ऊपर चौंकाने वाला एक खुलासा सामने आया है। गुरुवार 18 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय के राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा गया है कि वो तिहाड़ जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। जैसा कि केजरीवाल खुद भी पहले कोर्ट में बता चुके हैं कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज है, इस हिसाब से उन्हें मीठे से दूर रहना चाहिए, लेकिन ईडी के मुताबिक केजरीवाल तिहाड़ जेल में जमकर आलू पूरी, आम और मिठाई खा रहे हैं। 18 दिनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल की इसी बीमारी को देखते हुए उन्हें घर का खाना खाने की इजाजत दी गई थी। ईडी के मुताबिक इसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। ये मामला क्यों उठा, अब आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। दरअसल तिहाड़ जेल से ही अपनी सरकार चला रहे केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने ट्रायल कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उन्हें डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मेडिकल कंसल्टेशन लेने की मांग की। वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि अरविंद केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित है और उनका ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन अब वो ईडी के आरोपों पर सफाई दे रहे हैं। सुनिए। दिस इज अ इशू मेड बाय ईडी, सो दैट देयर इज होम कुक फूड आल्सो शुड बी स्टॉप्ड। दिस कंसर्न्स द हेल्थ, वी आर वेरी कंसर्न्ड, एंड व्हाटएवर ही इज टेकिंग इज एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, अदरवाइज द मैटर इज सब जुडिस। वी डोंट वांट सर, ईडी काउंसिल वाज सेइंग दैट ही इज हैविंग मैंगो स्वीट्स एंड टी विद शुगर इन द प्रिजन, इज दैट करेक्ट? व्हाटएवर ही इज हैविंग इज एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड डाइट। तो सुना आपने, केजरीवाल के वकील कह रहे हैं कि केजरीवाल अपनी डाइट में जो कुछ भी खा रहे हैं वो उन्हें डॉक्टर नहीं खाने को बोला है, जबकि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बताया कि केजरीवाल तिहाड़ जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं। केजरीवाल के घर से ऐसा ही खाना आ रहा है जिसमें शुगर और कार्ब्स की मात्रा ज्यादा रहती है। डाइट चार्ट हैज बीन प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट। द डाइट चार्ट हैड मैंगोज एंड स्वीट्स बीन प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट। रेगुलरली कंज्यूमिंग स्वीट फूड्स व्हिच इज नॉट परमिटेड फॉर एनी डायबिटीज पेशेंट्स। आई डोंट वांट टू मेक एनी फर्दर कमेंट, मैटर इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने स्पेशल जज कावेरी बवेजा के सामने कहा कि केजरीवाल के खान पान से जुड़ी ये जानकारी तब पता चली जब एजेंसी ने तिहाड़ जेल को लिखकर केजरीवाल के खाने और दवाओं के बारे में जानकारी मांगी। इसके बाद ईडी के वकील ने केजरीवाल का डाइट चार्ट कोर्ट के सामने रखा, जिसमें पाया गया कि वो लगातार आम और मिठाइयां खा रहे थे। केजरीवाल ने खास तौर पर ऐसी मिठाइयों का सेवन किया जिन्हें खाने की इजाजत किसी भी डायबिटिक पेशेंट को नहीं होती है। और जब ये मामला कोर्ट और मीडिया में पहुंचा तो केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी के दावों पर हमें आपत्ति है, जांच एजेंसी सिर्फ मीडिया के लिए ये आरोप लगा रही है। और इसके बाद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा कि हम अपनी मौजूदा एप्लीकेशन वापस लेंगे, इसे नए सिरे से दायर करेंगे। खैर, वकील तो अपना काम करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या वाकई वो जेल से बाहर आने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, या फिर ये सब केजरीवाल को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है? इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहें श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।